इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी। वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है जिसका सेंटर है ओ, और ये डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट बीसी का। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है, इस साइड बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हुआ 6 सेंटीमीटर सीडी, दूसरा बीडी हुआ 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मैं यहां मार्क करता हूं, यह है 4 सेंटीमीटर। और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमें साइड एसी और साइड एबी पता लगाना है। चलिए सबसे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं जॉइन करता हूँ इनको। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं क्यू ले लेता हूँ, और ये तो डी है। मैं जॉइन करता हूँ पी ओ को, फिर क्यू ओ को, मैं जॉइन करता हूँ सी ओ को, ए और ओ को, और फाइनली ए ओ और बी को। देखिए यहाँ पे इस सर्कल पे सी डी और सी पी दो इक्वल टेंजेंट्स हैं, सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि पी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी तो 6 सेंटीमीटर है, तो पी सी की वैल्यू भी हो गई 6 सेंटीमीटर। मैं लिखूँगा पी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ देखिए B एक्सटर्नल पॉइंट है, बी क्यू और बी डी लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो बी क्यू की लेंथ भी हो गई 8 सेंटीमीटर। सो बी क्यू इज इक्वल टू बी डी इज 8 सेंटीमीटर। मैं मार्क करता हूँ। अब अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और ए क्यू ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ए पी और ए क्यू दोनों लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है। ये मुझे मालूम नहीं, ना मुझे ए पी पता है ना ए क्यू। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स, तो आपका ये ए क्यू भी एक्स हो गया, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो मैं लिखता हूँ ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एक्स। इन तीनों का रीज़न एक ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि साइड ए बी वो बन गई 8 प्लस एक्स, साइड बी सी देखिए आप वो हो गया 6 प्लस 8 विच इज 14, और साइड सी ए मुझे मिलती है 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना चाहूं, एक रास्ता है मेरे पास, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओबी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, AOC ये वाला ट्रायंगल, BOC और फिर AOB, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली ABC का ही एरिया मिलेगा, ट्रायंगल ABC का एरिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। देखिए ट्रायंगल AOC इसमें OP है रेडियस और AC है टेंजेंट। OP रेडियस इस टेंजेंट AC को मीट करती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये परपेंडिकुलर होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो OP परपेंडिकुलर हो गया और AC बेस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर है OP और बेस है AC। ठीक इसी तरह से आप देखिए ट्रायंगल सीओबी, सीओबी में परपेंडिकुलर ओडी क्योंकि ओडी रेडियस है और सीबी बेस है एज अ टेंजेंट।
और रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ मैं लिखूँगा हाफ ऑफ OD मल्टीप्लाइड बाई BC। और थर्ड ट्रायंगल OBA, तो इसके एरिया को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ OQ जो कि रेडियस है और BA टेंजेंट है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में बेस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिलता है हाफ। OP रेडियस है, हमें पता है रेडियस 4 सेंटीमीटर है। AC बेस है, AC हो गया आपका 6 प्लस एक्स, फिर प्लस हाफ OD, OD भी रेडियस है, बनेगा 4 सेंटीमीटर। और BC आपको पता है ये 14 होता है, प्लस हाफ OQ जो कि 4 सेंटीमीटर है ऐसे रेडियस, और BA और AB 8x। आप इन तीनों टर्म्स में से आप देखिए हाफ और 4 कॉमन ले सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉमन लिया, आपको ब्रैकेट में मिलेगा 6 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, फाइनली आपको यहाँ मिला ट्वाइस ऑफ, अंदर देखिए 6 प्लस 8 प्लस 14 मिलता है आपको 28, और x प्लस एक्स 2x। आप एक बार फिर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं और फाइनली आपको मिलेगा 4x प्लस 14। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4 टाइम ऑफ x प्लस 14। हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, उसका हाफ। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर लेट एस है, तो वो होना चाहिए सेमी पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA होल डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर बनता है यहाँ पे, देखिए AB होगा 8 प्लस एक्स, BC है 14 और CA है आपका 6 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। ये फिर से आप देखिए कैलकुलेट करके बनता है 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, जो कि फाइनली आपको मिलेगा x प्लस 14। इस तरह से आपको सेमी पेरीमीटर मिला, s की वैल्यू x प्लस 14। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पैरामीटर माइनस सेमी पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पैरामीटर माइनस पहली साइड, फिर सेमी पैरामीटर माइनस दूसरी साइड, और फिर सेमी पैरामीटर माइनस तीसरी साइड। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिलता है, वैल्यूज रखते हैं हम, सेमी पेरीमीटर है x प्लस 14, फिर s माइनस AB, तो x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, मीन्स होल या माइनस पूरे पे लगेगा तो बनेगा x माइनस 8। मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे जैसे मुझे लिखना चाहिए एक्स माइनस एक्स माइनस एट, क्योंकि एक्स प्लस एट पूरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन दोनों पे होना चाहिए, बट बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं या लिख देते हैं जल्दी जल्दी में माइनस एक्स प्लस एट, नहीं, एक्स प्लस एट पूरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन दोनों पर लगेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। फिर यहाँ मैं लिखूँगा एस माइनस बी सी, एक्स है एक्स प्लस 14 माइनस BC, BC है 14, तो माइनस 14, फिर x प्लस 14 माइनस x एंड देन माइनस 6। यहाँ पे x कैंसिल, 14 माइनस 8 6 होगा, 14 14 कैंसिल, और देखिए x और x कैंसिल, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 14, 14 माइनस 8 6, और यहाँ पे सिर्फ x मिलेगा, और यहाँ पे 14 माइनस 6 8।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये भी हो गया, हीरोस फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये निकाला, और हमारे दूसरे मेथड से हमने एरिया निकाला जो 4x+14। ये दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए। चलिए हम करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, मान लेते हैं ये इक्वेशन थी 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ x+14 6 × x · 8 इज इक्वल टू 4x+14। एस पी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स को, यहां पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा x+14 6x8, वहां पे मिलेगा 4 × 4 × x+14² हम कैंसिल कर सकते हैं, पावर 1 रह जाएगी इधर, ठीक। तो x जो है आपको मिलेगा 4 × 4 × x+14, ये 6 और 8 मैं उधर भेज देता हूँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 3 × 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपको मिलेगा 3x = x+14। मैं फिर से आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से हमें मिला था x+14 / 3 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, रिजल्ट है 3x = x+14। एक्स को उधर शिफ्ट करते हैं, आपको मिलेगा 3x - x विच इज इक्वल टू 2x = 14। ओके, सो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। हम जानते हैं, हमने शुरू में बताया था कि ab की वैल्यू है 8+x और ac की वैल्यू है 6+x। हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 7 रख देंगे, ab बन जाएगा 7 + 8 = 14, यहाँ पे 7 रखते हैं, 6 + 7 = 13। मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ, हमें पता था ab इज इक्वल टू 8+x, दिस इम्प्लाइज दैट ab आपको मिलता है 8+7, ये 15 माफ़ कीजिएगा, और दूसरी साइड आपको चाहिए थी ac, वो है 6+x, तो ac आपको मिलेगा 6+7 = 13। तो ab और ac की वैल्यू 15 और 13 है, ये हमने फाइंड आउट किया।